अभी जब हम इसको ऊपर की तरफ कर देंगे तो ये वर्क मोड में हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको चला के दिखाऊंगा। बिस्मिल्ला, थोड़ा सा स्विंग करेंगे तो हल्का स्विंग होगा, हल जितना यानी करेंगे उतना आराम आराम से स्विंग होगा ये, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा बहुत बहुत दिन हो गया काम किए हुए, बहुत दिन हो गया काम किए हुए, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए कि 12-13 साल कम नहीं होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हुंडई, हुंडई कंपनी का बहुत ही ज़बरदस्त पुकलैन आता है हुंडई कंपनी का। कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे काम कर रहा था सऊदी अरब रियाद में, आया था मैं 2011 में। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल मेरा जेके ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों आप सब देख सकते हैं मेरे पीछे एक पोकलैन खड़ा है, कहीं कहीं पे इसको एस्क्वाटर मशीन बोलते हैं। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि क्या सैलरी है और कितना दिन हो गया हमारे ऑपरेटर साहब को काम करते हुए। दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाँ हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सब जहाँ भी कहीं होंगे स्वस्थ मस्त और अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस पोकलैन के बारे में, तो जो ऑपरेटर हैं उनको तो मालूम ही होगा। और सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वक्त मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। इस वक्त मैं रोड पे ही खड़ा हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन का काम हो रहा है बिल्डिंग का, और देख सकते हैं आप लोग हमारे पीछे ये जो पोकलैन लगा हुआ है। दोस्तों कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे काम कर रहा था सऊदी अरब रियाद में, आया था मैं 2011 में, 12 और 13 तक काम किया, 13 में वापस चला गया। इसी पोकलैन में मैं काम कर रहा था, उसमें मैं कटर पिलर का चला रहा था। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हुंडई, हुंडई कंपनी का बहुत ही ज़बरदस्त पोकलैन आता है हुंडई कंपनी का, वोल्वो का और जेसीबी का। तो हमने अभी फिलहाल में ज़्यादा कोई नहीं, हिटाची का चलाया है, वोल्वो का चलाया है, कटर पिलर का चलाया है। कटर पिलर का भी सऊदी में आपको हर जगह देखने को मिलेगा, इसलिए हुंडई बहुत कम मिलेगा हर जगह, लेकिन कटर पिलर सबसे ज़्यादा यानी इंडिया में भी सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में आपको देखने को मिलेगा कटर पिलर का। ये जो पोकलैन है दोस्तों, इस पोकलैन का जो है कि हमारे ऑपरेटर यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आप भाई? मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान से आप भाई, कितना दिन हो गया आपको काम करते हुए यहाँ पे सऊदी अरब में? मेरा तो टोटल 9 साल हो गया जी। 9 साल, क्या सैलरी है भाई इसमें? सैलरी तो आजाद लोगों का यही 3,350 वही सैलरी आता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो है तो वही 2,000-2,500, ये कंपनी का 1,800 जी। और ये कंपनी कौन सा है भाई? ये मुसस्सा है इसका, ये मुसस्सा है इसका। हमदान अल बुमान। इसमें केवल पोकलैन ही चलता है कि बाकी सब चलता है, साबल वगैरह? या नहीं नहीं, सिर्फ पोकलैन है। केवल पोकलैन चलाता है? सिर्फ पोकलैन है। अगर मैं चाहूँ तो मेरा लग सकता है काम? बिल्कुल लग सकते है, क्यों नहीं लग सकता। अच्छा, नहीं बहुत दिन पहले मैं इसको चलाया था यहाँ पे, यहाँ पे भी सपक कंपनी आपको मालूम होगा। अच्छा। हाँ, यहाँ पे सऊदी पान किंगडम सपक के नाम से, यहाँ पे मलज आपको मालूम होगा ना, मलज में मालूम है। हाँ, यहाँ पे ऑफिस था पहले, अभी अच्छा। भी ऑफिस है वहाँ पे, हेड ऑफिस यहीं पे है रियाद में। अच्छा। लेकिन यहाँ से हमको ट्रांसफर कर दिया गया था पहले जिद्दा। जिद्दा में 6 महीने काम किया, उसके बाद मैं चला गया मक्का। अच्छा। तो मक्का में रहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पर रहा, इसलिए कि 4x4 रिंग रोड बन रहा था वहाँ पर। आप तो गए होंगे उमरा के लिए, तो आपको दिखाई भी दिया होगा कि ऐसा मस्जिद से पहले जितना वो रेगिस्तान टाइप में पड़ता है ना, वहाँ पर हम लोग काम करते थे पहाड़ी पे, वो पहाड़ी काट के ना रोड बन रहा था वहाँ पे, रिंग रोड। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन सैलरी कम होने की वजह से मैं भी छोड़ दिया वहाँ पे। लेकिन माशाल्लाह आपका सैलरी बहुत अच्छा है, और इसलिए कि आपका पाकिस्तान का करेंसी भी ज्यादा है, मैंने सुना है कि 76-76 रुपए या 78 पैसे ज्यादा। तो 83 है, 83 है। ओके भाई, अभी आप ये सब आप ही काम किए हैं? ये भी मैंने किया, इससे ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी कंप्लीट हो गया, इससे आगे जो एक प्रोजेक्ट था वो भी कंप्लीट हो गया, अभी ये नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गई। अच्छा, ये बन क्या रहा है यहाँ पे? ये अभी इधर एक वेल्ला जैसे आगे वाला आपको नजर आएगा, ऐसा सेम टू सेम वेल्ला इधर ही बनवा रहे। अच्छा। तो ये जो हमने काम किया हुआ है नीचे, ये हजान बन रहे और जी जी। बाकी जो है ये वेल्ले का जगह है, ये हमाम का है, ये हमाम है और मतलब हजान बड़ा वाला। इसलिए कि मैं जब सऊदी छोड़ा था ना। अच्छा। तो घर पे गया तो 4 महीना घर पे था मैं, तो घर पे रहने के बाद चला गया मैं गोवा में। अच्छा। इंडिया में आपको गोवा मालूम है, बड़ी खूबसूरत जगह है, नाम सुना हुआ है। हाँ, तो वहाँ पे बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है पूरा, वहाँ पे जो है कि एक आइलैंड टाइप में है। बिल्कुल। तो बहुत वहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं घूमने के लिए, तो मैं वहाँ पे गया था घूमने के लिए। अच्छा। सॉरी यार, घूमने के लिए नहीं, मैं सोचा घूम भी लूंगा और अपना काम भी कर लूंगा। तो वहाँ पे जब मैं काम करने गया तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे, थोड़ा सा जहाँ वो क्या है ना कि चारों तरफ पानी बहुत ज्यादा है। अच्छा।
तो दलदल टाइप में, तो वहाँ पे मैं काम कर रहा था, अच्छा सैलरी दे रहा था मुझे। अच्छा। इसलिए वहाँ पे 10-12 साल से लोग थे, लेकिन उतना सैलरी नहीं था उन लोगों का, लेकिन अच्छा। मेरा ज्यादा सैलरी हो गया वहाँ पे, इसलिए मैं सऊदी रिटर्न भी था। अच्छा। और दलदल मेरा काम पड़ गया। अच्छा। तो दलदल में काम कैसे होता आपको मालूम है, जाओ काम करो, जैसे अपना चैन नीचे आया भागो लेके, तो वापस मुझे भागना भी पड़ता था लेके, तो काम बहुत मजा आता वाला काम था। लेकिन मैं वहाँ से फिर चला आया यहाँ पे, अच्छा सौ दिन फिर चलाया मैं, मतलब मेरा भाई रहता था ना बड़ा, अच्छा। तो उसने मुझे यहाँ पे बुला लिया। अच्छा। तो हम लोग वहाँ पे गोवा में कुछ दिन तक मैं ये फाउंडेशन का ही काम किया मैं। अच्छा। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनती थी, जो बिल्डर्स होते हैं ना बनवाते हैं वो लोग, बिल्कुल बनवा के फिर वो बेच देते हैं दूसरों से। मैं खुद भी वही काम करता हूं। हाँ। और ये भी, लेकिन इसके अलावा ये जो बिल्डिंग वगैरह तोड़ना ये सही नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये वाला काम ठीक, फाउंडेशन का काम बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं भी किया तो बहुत मजा मिला। कभी क्या होता था ना कि हाँ सैलरी पे है हम लोग, सैलरी तो मिलना है, तो हम लोग क्या करते थे काम, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फैला मैं जिसके पास था, तो यानी मतलब सऊदीया का तो आप लोगों को पता होगा। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि बहुत सऊदी ऐसा है कि वो सैलरी टाइम पे नहीं देता है, नहीं देता है, और ऐसा आदमी आ जाएगा कि मतलब अभी ये जिसके पास अभी मैं हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फर्स्ट क्लास आदमी है, फैंटास्टिक है, क्योंकि वो अभी यानी जैसा हमारा तारीख पूरा हो जाता है तो उसी टाइम हमको सैलरी दे देते हैं। ये सब अभी आप ही काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये अभी सारा जितना भी ये आप देख सकते हो वहाँ तक प्रोजेक्ट है ना, ये नजर आ रहे हैं आपको मस्तौदे जी, इसका लास्ट तक ये पूरा प्रोजेक्ट है, वो भी सेम टू सेम जैसा यानी ये टू मस्तौदा है उसी तरह एक ही है कि इस तरह से बिल्डिंग बन रहे, यानी वहां से लेके और यहां तक इतना खाली है पूरा, ये शिरका है अल फौजान, फौजान हाँ, और फौजान पूरा ये है, ये पूरा फौजान है, मतलब इसका तकरीबन ये पूरे सऊदी अरब में इसका तकरीबन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा काम इन लोगों का चल रहा है, क्योंकि तकरीबन कुछ 5000 तक इसका मस्तौदा है, सिर्फ मस्तौदा 5000 तक। जेद्दा में आप गए होंगे, जेद्दा में जब, अच्छा तो आप देखे होंगे कि बीच में नहर है, अच्छा बहुत बड़ी, अच्छा अभी आप गए कि नहीं गए? नहीं जेद्दा में तो मैं नहीं गया हूँ, नहर है सब सऊदी अरब में। हाँ, जेद्दा में बीच में यानी खूबसूरती के लिए आपको मालूम है जेद्दा में बारिश ज्यादा आता है, बिल्कुल अभी एक हाँ, बन रहे। हाँ, तो वहाँ पे हम लोग बनाया था बीच रोड में, दोनों तरफ रोड है 4x4 और बीच में नहर है बहुत चौड़ा। अच्छा। हाँ, पानी को स्टॉक कर रहा था लोग खूबसूरती के लिए। अच्छा। तो मैं वहाँ पे जो साइड में स्लोप होता है ना, इसे नहर होता है ना, साइड में जो स्लोप होता है तो ब्लेड बकेट से मैं उसको स्लोप करता था। अच्छा। हाँ, ब्लेड लगता है, बकेट को ब्लेड भी लगता है, ये वही नहर का उसी का काम भी किया, लेवल का, स्लोप का। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैंने बताया था यहाँ से लेके यहाँ तक कनबीर बोलते हैं इसको, कनबीर, और कनबीर तनबीर मत समझ लीजिएगा आप लोग, कनबीर इसको यहाँ से लेकर वहाँ तक कनबीर बोलते हैं, इसको बोलते हैं चैन। ये हो गया बूम, यहाँ से लेकर और वहाँ तक बूम है, और ये रहा आर्म, ये रहा बकेट नॉर्मल लगा हुआ है खुदाई करने के लिए, और ये रहा ब्रेकर, यहाँ पे सऊदी अरब में इसको बोलते हैं दगाग, ठीक है। और इधर बाबू, ये स्विंग मोटर, यहाँ पे स्विंग मोटर लगा हुआ है, ये स्विंग करता है चारों तरफ, स्विंग करेगा 360 डिग्री पर स्विंग करता है, ये घूम जाता है। और दोस्तों यहाँ इधर आइए, अंदर थोड़ा दिखा देते हैं आपको, और भाई थोड़ा बैठ सकता हूँ मैं? बिल्कुल बैठ सकते हो, बिस्मिल्लाह। दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा डबल लीवर इसका, ठीक है, इसमें चार फंक्शन होता है, इसमें भी चार फंक्शन होता है, ठीक है, यानी केबिन के अंदर आप जब आके बैठते हो तो सबसे पहले आपको एक यहाँ स्विच मिलता है इसको ऑन करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ लगाया जाता है इसलिए कि कोई भी ऑपरेटर काम कर रहा है तो स्ट्रेस ज़्यादा होता है, यानी दिमाग पे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो जब वो उतरे तो उसके पैर में ये चीज़ लगे, जब ये लगेगा तो उसे याद पड़ेगा कि यार मुझे इसको ऑफ करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको ऑन करके रखोगे तो जाहिर सी बात है जब आप ऐसे घूमोगे तो यहाँ स्विंग होता है, यहाँ जब आप जब इस तरफ पुश करोगे तो स्विंग होता है चारों तरफ, तो तुरंत किसी ना किसी को लग सकता है चोट या आपको ही खुद लग सकता है, ठीक है, इसीलिए इसको ऑन ऑफ करिए। अब देखिए ये अभी ऑन है, अभी पूरा फंक्शन काम कर सकता है, और इसको अगर ऑफ कर देंगे तो काम नहीं करेगा, ये कुछ भी करेंगे ऐसे तो काम नहीं करेगा, ठीक है। ये कन्वर्टर को चलाने के लिए है, चैन को दोनों पुश करेंगे आगे की तरफ तो दोनों चैन चलेगा, एक पुश करेंगे अगर इधर का, इधर से पहला नंबर, तो ये केवल चलेगा ऐसे घूमेगा, अगर इसको पुश करेंगे तो इधर घूमेगा, ठीक है, दोनों को पुश करेंगे साथ में तो एकदम सीधा आगे जाएगा। पैर से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, पैर से भी चला सकते हैं इसको। और दोस्तों
अभी यहाँ पे बाबू थोड़ा सा और ऊपर आ जाना, थोड़ा यहाँ खड़ा जाओ। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, दो लीवर है, दो लीवर में चार फंक्शन है। एक में चार फंक्शन ये है, एक में बूम का होता है, ठीक है, सॉरी, एक में आर्म का होता है और स्विंग का होता है। इधर करेंगे स्विंग होगा लेफ्ट साइड में, अगर इधर करेंगे तो राइट साइड में स्विंग होगा, अगर इधर करेंगे तो आर्म खुलेगा, आर्म वहाँ से आधा इसका खुलेगा बाहर की तरफ। जस्ट इसको पीछे करेंगे तो आर्म बंद होगा। इसमें भी सेम यही सिस्टम होता है, इसमें होता है चार सिस्टम। एक होता है बूम का, ये जो देख सकते हैं आप लोग यहाँ जो लगा हुआ है बड़ा सा, ये बूम आगे की तरफ करेंगे तो बूम नीचे जाएगा, पीछे करेंगे तो बूम ऊपर होगा। और इसमें बकेट का सिस्टम इसी में होता है। अगर आप लेफ्ट साइड में करते हैं इसको, लेफ्ट साइड में, तो ये बकेट बंद होगा आउट। इधर राइट साइड में करते हैं तो बकेट खुलेगा दोस्तों। और यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है अभी इसमें, इसलिए कि कटर पिलर में भी ज़्यादा जगह नहीं होता है ना भाई, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ज़्यादा जगह नहीं होती, बहुत यानी कंफर्टेबल है, बहुत जबरदस्त मज़ा आता है काम करके। पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकते हैं यार, इसका चाबी नहीं है, थोड़ा सा दो दो स्टार्ट करके इन बंदों को दिखा दें हम। बिस्मिल्लाह, हुंडई दोस्तों, मैं आप सभी को थोड़ा सा दिखाऊंगा इसको, इसलिए मुझे चलाए हुए इसको 12 13 14 साल हो गया दोस्तों। ये यहाँ पे देख सकते हैं एक लीवर है, इसलिए स्विच जैसे काम करता है। अगर ये भी ये ऑफ मूड पे है, वर्क मूड में नहीं है, अभी जब हम इसको ऊपर की तरफ कर देंगे तो ये वर्क मूड में हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको चला के दिखाऊंगा, बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा स्विंग करेंगे तो हल्का स्विंग होगा, हल जितना यानी करेंगे उतना आराम आराम से स्विंग होगा ये, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा बहुत दिन हो गया काम किए हुए, बहुत दिन हो गया काम किए हुए, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए कि 12-13 साल कम नहीं होता है। पठान भाई 12-13 साल हो गया हमको छोड़े हुए, 2013 में मैंने पूरा पक्का छोड़ दिया था। बाद में आप अपने हिसाब से कर लेना, एक मिनट, मुश्किल नहीं है, छोड़ो, बंद करते हैं इसको दोस्तों। आज का ओहो, ये तो पेपर गिरा है खान भाई यहाँ पे दोस्तों। आज का ये रहा वीडियो कंटेंट, तेरह चौदह साल हो गए मुझे चलाए हुए। अच्छा दोस्तों, आज का यही रहा वीडियो, और हमारे ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं भाई, आप पठान है ना, यानी पेशावर साइड के होंगे आप जी, सही है ना? चाचा भी एक मेरे रूम में रहता है पेशावर साइड का। अच्छा, तो भाई आपसे मिल के बहुत ही अच्छा लगा, और एक्सपीरियंस अच्छा रहा आपके साथ बात करने के लिए और वीडियो बनाने के लिए। और आपने वीडियो बनाने दिया यार, जल्दी बनना, जल्दी कोई देता नहीं वीडियो बनाने के लिए, ठीक है भाई, नाराज नहीं होना भाई, ठीक है। और मैं आपको चैनल का नाम बता दे रहा हूँ, आप अपना वीडियो भी देख सकते हैं आप दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे फुल सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।